हाँ मैं जो पेश कर रहा हूँ वो मजनू वाला बहुत मेलोडियस वॉइस थी, ये उनका गाना है गाया हुआ, और इसकी याद आने की वजह यह है कि आज से कोई जो समझ लीजिए कि 38 साल पहले मेरा इंटरव्यू था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, तो फॉर्म में मैंने लिखा हुआ था मेरा शौक है सिंगिंग और अदब। पहले उन्होंने अदब पे सवाल पूछे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा आप गाते भी हैं, मैंने कहा जी शौक है, तो उन्होंने कहा आपको गाना सुना दीजिए। अब हुआ ये कि एक रोज पहले नीलाम घर में देख रहा था, तो उसमें मुजीब आलम साहब जो है वो आए हुए थे और यही गाना सुना रहे थे, वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, मेरे हर ख्वाब की ताबीर बने बैठे हैं। वो गाना मुझे पहले से भी पसंद था, तो इत्तेफाक से यही गाना उस वक्त मेरे जहन में आया और मैंने लड़स्ती टांगों के साथ ये गाना सुनाया। तो अब मुझे डर ये था कि मेरी आवाज़ ख़राब ना हो जाए घबराहट की वजह से, तो लेकिन हुआ ये कि कमरा जो था जहाँ इंटरव्यू हो रहा था वो खासा खाली था, तो उसकी वजह से और लाइट भी डिम थी, टांगे उठाए मेरी टेबल के नीचे छुपी हुई थी इसलिए दिखाई नहीं थी, और आवाज़ मेरी कुछ कमरे के खाली पन ने संभाल ली, और मुझे लगा कि मैंने आधा इंटरव्यू वो गाना सुना के यूँ समझ लिया कि कामयाबी हासिल कर लिया। वो गाना मैं पेश कर देता हूँ। वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, मेरे हर ख्वाब की ताबीर बने बैठे हैं, वो मेरे सामने चांद आँखों को देखे तो कमल बन जाए, रात होठों को छूले तो गजल बन जाए, उनकी जुल्फों का हाल मत पूछो, मुझसे मेरा ख्याल मत पूछो, वो तो उलझे हुए जंजीर बने बैठे हैं, वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं, मेरे हर ख्वाब के ताबीर बने बैठे हैं, वो मेरे साथ।